हेलो फ्रेंड्स, नॉनिक कॉर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डेट एंड वॉलनट केक। डेट्स आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ आयरन एंड वॉलनट्स हैव ओमेगा 3 एंड हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ऑयल एज वी मेक आई विल टेल, 2 एग्स, 1 कप डेट्स पिटेड एंड चॉप्ड, दिस विल बी 100 ग्राम्स। इसके सीड निकाल के इसको चॉप किया। 1 टीस्पून सोडा बाइकार्बोनेट, 1 कप वाटर, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप वॉलनट्स चॉप्ड, दीज आर 100 ग्राम्स, 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ऑल सिफ्टेड टुगेदर। ये सब चीजों को लेके कट्ठे छन्नी किया। 1 कप शुगर ग्रैनुलेटेड, और उसको लेके मैंने ग्राइंड किया और यहाँ पे रखा। सबसे पहले हम अवन को ऑन करेंगे एट 180 डिग्रीज सेंटीग्रेड टू प्रीहीट। अब हम पानी को सॉस पैन में डालते हैं और इसको हम बॉईल करना रखते हैं। अब हम डेट्स को इस बोल में डाल देते हैं और इसके ऊपर हम सोडा स्प्रिंकल कर देते हैं। देखिए वाटर आ गया है रोलिंग बॉयल पे, गैस बंद कर देते हैं और इसको हम डेट्स और सोडा के ऊपर डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से इसके बीच में कर देते हैं और वी विल सेट इट असाइड। अब हम एग्स में ऑयल डालते हैं हमने 4 टेबलस्पून्स ऑयल डाला है और अब इसमें हम शुगर डालते हैं और वनीला एसेंस और इसको हम बीट करते हैं। हमें इसको अच्छी तरह से बीट करना है। देखिए अब ये बीट हो गया है और मैंने अबाउट 4 मिनट्स के लिए इसको बीट किया है। अब हम डेट्स को स्पून के साथ थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब हम वॉलनट्स को डेट्स में मिक्स कर लेते हैं। अब हम 1/3 मैदा मिक्सचर को इसमें मिक्स करेंगे और 1/3 डेट एंड वॉलनट मिक्सचर को ऐड करेंगे।
और इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम 1/3 और ऐड करेंगे मैदा और 1/3 ऐड करेंगे डेटन वॉलनट मिक्सचर। और इसको मिक्स करेंगे। अब हम वॉलनट और डेट का मिक्सचर पहले ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में बाकी का मैदा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये पेपर केक मोल्ड है। इसको ऑयल करने की जरूरत नहीं है और मैदे के साथ डस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सीधा ही बैटर डालेंगे और बेक करने के लिए रख देंगे। अब बैटर को मोल्ड में डाल देते हैं। हमने बैटर को इसमें डाल दिया है और इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे अवन में, प्री हीटेड अवन, और इसको हम बेक करेंगे 1 hour and 35 minutes। अब 1 hour 35 minutes हो गए हैं। अवन बंद कर देते और केक को निकाल देते। अब इसको हम ठंडा करेंगे। इसको कपड़े के साथ कवर करेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको पुल कर लेंगे तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगा एंड यू विल हैव द होल केक विद यू। अब ये ठंडा हो गया है और इसका पेपर निकालते हैं। इसको सारा ऐसे ओपन कर देना है और फिर इसको आप नीचे से भी जेंटली निकाल लेना। ये सारा बड़ी अच्छी तरह से निकल आया है। And now you can cut it and eat it.